साइंटिस्ट सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, ट्रेड रैंक एनालिसिस का मैंने पावर पॉइंट लोड किया है, जिसमें आज तक जो भी फूड ड्राइंग होते हैं, अगर वो मान लीजिए कि कम वॉल्यूम में है, या मान लीजिए कि वो ज्यादा विस्कस प्रोडक्ट है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का विस्कस प्रोडक्ट है, तो ट्रे में, या ऑनियन है, मूली है, इसको ट्रे में हम लोग जो है एक लेयर बना देते हैं, उसकी एक थिकनेस होती है, तो थिकनेस को और एरिया होता है, एरिया निकाल के उस पर हॉट एयर का जो फ्लो कराते हैं, तो उससे जो है हॉट एयर मॉइस्चर हो मॉइस्चराइज होकर के निकल जाती है। अब उसका क्वेश्चन ये होता है कि पूरी हार्ट एयर की जो हीट है उसको दोबारा यूज करने के लिए पार्टली रिसर्कुलेट करना भी पड़ता है, और फ्लो भी बन जाता है। अच्छा क्या यहाँ पे आपको पैक बेड सरफेस जो है ट्रे ड्राइंग जो है दिखा रहे हैं, कैसे ट्रे ड्राइंग का जो है मशीन होता है वो ऐसा होता है, ट्रे ड्राइंग का मशीन ऐसा होता है। ऐसा भी होता है, हीटर भी लगा है, एग्जास्ट एंड पैनल सब लगा हुआ, देख लीजिए। हेलो हेलो, ट्रे ड्रायर देख रहे हैं? ड्राइंग चैम्बर का ये से देखना। वन नंबर जो है ड्राइंग चैम्बर है, टू नंबर जो है वो ड्राइंग ट्रॉली है, नीचे ट्रॉली होता है, ड्राइंग ट्रे, इसके अंदर ट्रे लगा हुआ है, सर्कुलेशन फैन है, सर्कुलेशन फैन से जो है हवा सर्कुलेट होती है यहाँ पर, ये सर्कुलेशन फैन है, सेवन नंबर, फ्रेश एयर इनलेट और एग्जास्ट डैम्पर, इसमें डैम्पर है, यहाँ से एग्जास्ट हो जाता है, ये डैम्पर है आठवां, ये पूरा खोल देंगे तो पूरा रास्ता खुल जाएगा, कम खोलेंगे तो कम रास्ता खुलेगा, और यहां से भी आप एक केबी फिगर देख सकते हैं, ये कंट्रोल पैनल है इसका, ये इसका कवर है, ट्रे निकाल के सामान लोड करके रखेंगे और फैन चला देंगे, फिर उसके बाद जो सर्टेन टाइम के बाद इसको निकाल के देखेंगे सूख गया कि नहीं सूख गया, ठीक है, और इसकी एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। पढ़ लीजिए इसको, ये वाइमीटर और बल्ब डेंसिटी ऑफ ड्राई मटेरियल रोज केजी पर मीटर क्यूब, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने अज्यूम कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, एल के जी किलो जूल पर के जी, एच टोटल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन वाट पर मीटर स्क्वायर सेंटीग्रेड, डी डब्ल्यू बाई डी टी डेट ऑफ वेपरेशन, ई ए हार्ट एयर टेम्परेचर, पी डब्ल्यू वेट प्रोडक्ट सरफेस टेम्परेचर, रेट ऑफ एवेपोरेशन डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एच टी ए माइनस टी डब्ल्यू अपॉन वाई रो एस एल इंटू 10^3, ये इक्वेशन याद रखना, वाई इंटू रो एस इंटू एल से डिवाइड करो एच टी ए माइनस टी डब्ल्यू को और 10^3 से मल्टीप्लाई करो,
अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर होल है, ट्रेन में होल है, तो उसको कहते हैं नीचे से हवा ऊपर की तरफ भेजना, और वो हवा ऊपर से नीचे की तरफ भेजना, दो तरह का है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन टाइप ट्रेन ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है। एयर पास थ्रू पोर्स थ्रू सर्कुलेशन टाइप वेल्व, मान लो उसका एक तरीका है करने का। क्या तरीका है? मान लो कि हीट ट्रांसफर एरिया पर मीटर क्यूब ऑफ पोरस बेड ए है, ए मीटर स्क्वायर है, और पोरसिटी भी होगी। जब वो पोरस है तो वाइड रेशियो होगा उसमें, उस वाइड रेशियो को हम लोग ई कहते हैं। डी अगर डायमीटर है स्फेरिकल पार्टिकल का, तो एरिया उस कंडीशन में एरिया हीट ट्रांसफर एरिया हो जाएगा 6 × 1 − E/d। पैक डिपेंड ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ डायमीटर डी विल हैव हीट ट्रांसफर एरिया इन मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब ऑफ द पोरस बेड इफ द पोरोसिटी ऑफ द bed is described in terms of E as wide ratio. So now dW by dt is equal to H into A into Pa minus dW upon rho S into L into W. यहाँ A की वैल्यू ये बन जाती है। तीसरा कंडीशन है कि if porous bed food particle का वो cylindrical shape, food particle से spherical shape अगर नहीं है, तो ये area का formula बदल जाएगा। एरिया का फार्मूला हो जाएगा एसी इज इक्वल टू 4 × 1 − E। तो ये क्लास में है, क्लास के बाद आएंगे। 4 × 1 − E 1 + 0.5 dC/dC। एसी इज इक्वल टू 4 × 1 − E × 1 + 0.5 dC/dC। Where E is equal to void ratio, volume of voids divided by the volume of the solids, and dW by dt is equal to H AC TA minus TW upon rho S into L into W. Similar है, बस खाली A का formula change हो गया। DC क्या है? Diameter of the particles. L क्या है? L is the length of the particle. अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये दोनों हो गया तो कांस्टेंट रेट ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ लैटेंटी, आपको पता है कि ये फार्मूला है, ये उसमें टीसी का फार्मूला है, तो पहले से पता है। चलिए पिछली बार पढ़ा चुके हैं ये कांस्टेंट फॉलिंग रेट ड्राइंग, फॉलिंग रेट का ये टाइम ये भी बता चुके हैं, ये डिफ्यूजन कंट्रोल का टाइम भी बता चुके हैं, और कंट्रोल टोटल ड्राइंग टाइम का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, और ये ट्रे ड्रायर है, और ये ट्रे ड्रायर विथ हीटर एग्जास्ट एंड पैनल है। ये मेन फॉर्मूला यहां से समझ में आता है, इसको ध्यान में रखकर के सवाल कीजिएगा। हाँ बोलिए आप लोग। हेलो हेलो स्टूडेंट। हेलो। यस सर। यस सर। बताइए ये समझ में आ गया? ये वाला dW by dt क्या है? रेट ऑफ एवेपोरेशन। कैसे रेट ऑफ एवेपोरेशन? किलो जूल पर सेकंड। L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। ये क्या है? हॉट एयर टेम्परेचर। और tW वेट प्रोडक्ट सरफेस टेम्परेचर। ये वाला रो एस क्या है? डेंसिटी। यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ द ड्राई मटेरियल दिया गया, मॉइस्ट मटेरियल नहीं दिया गया, और वाई जो है वो थिकनेस ऑफ द मॉइस्ट मटेरियल। अच्छा तो यहाँ पे ये देखिए कि 10³ जो है वो ऐसे फार्मूले में लग रहा है कि नीचे नीचे नहीं ऊपर ही, क्योंकि पूरा करना है उसको जो है किलो जूल में, अगर है एल जो किलो नहीं नीचे है क्या, एल किलो जूल में नीचे ही होगा, 200 जूल में कर दिया, एल इंटू 10³
जूल में कर दिया इसको। और बताइए कुछ पूछना है आप लोग को स्टूडेंट्स, यू वांट टू टॉक एनीथिंग? हेलो, आप लोगों ने इम्प्लांट ट्रेनिंग का चॉइस नहीं भेजा अभी तक। इम्प्लांट ट्रेनिंग में जो जाना है उसमें एक एक आदमी को तीन तीन चॉइस भेजना है, अभी तक आप लोगों ने चॉइस नहीं भेजा। अपने रेजिडेंस के हिसाब से आप लोग को जो कन्वीनियंट पड़े वो प्लांट का तीन तीन नाम दिया जाए कृपया। आज हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग डाल दें, इसमें हम सब जगह लेटर लिख सकें। हेलो स्टूडेंट्स, सर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? व्हाट्सएप पर तीन चॉइस डालें, 1 2 3 एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर कन्वीनियंस ऑफ रेजिडेंशियल प्लेस एंड अदर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, यू शुड सेलेक्ट the plant one as a choice number 1, as a choice number 2, as a choice number 3, and send on my email or on my WhatsApp today itself so that I can write letter and arrange your training. Okay, that's yes, sir. Bahut sir, training ke liye sir bahut delay kar rahe, training ke charge hum ho gaye hain, training ke charge humko bana diya gaya hai। Yes, yes, ट्रेनिंग इंचार्ज सर, उनको हटा दिया गया है संजीव जी को। तो आप सर, हम लोग भी बोले थे सर आपको बनाने। लॉकडाउन चल रहा था, कोई काम नहीं हुआ है, आप लोग जल्दी चॉइस भेजिए, यहाँ से चिट्ठी जाए, बातें हो, बहुत काम बाकी है, 2 महीना बच्चा है और 5 महीने का काम होना। आप लोग सो रहे हैं तो कैसे काम होगा, तो कोई ट्रेनिंग में नहीं जा पाएगा। ये सर, सर हम तो भेज देंगे सर। आप बहुत फास्ट काम कीजिए, आप लोग नेट देखना, नेट पर देखिए सर, वो बाहर में ट्रेनिंग ले रहा है ना सर, वो जो भी चॉइस फिल करेंगे तो हम लोग जो भी बाहर में, कहा बाहर में, आउट ऑफ बिहार ले रहा है ना सर कहीं? हाँ हाँ, आउट ऑफ बिहार भी दीजिए आप लोग, कहीं भी दीजिए आप लोग, बाहर भी ले सकते हैं अगर अगर अपने उन लोग राजी हो जाएंगे तब। कुछ चॉइस बिहार का भी दीजिए, कुछ चॉइस बाहर का भी दीजिए, अगर मान लो उन लोग राजी नहीं हुए तो आपको बिहार का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक क्लास बंद कर रहे हैं, आज दूसरा काम है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को क्लास देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।